आपके जहन में कोई बात बैठे। और दोस्तों ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, आप ब्लैक बकरियाँ देख रहे हैं, वजाहत तो मैं सब की करूँगा ना। ये देखें, ये है फुल हैवी यानी नस्ल जो होती है असल बीतल में है, ऐसी बकरियाँ जो लैलपुरी कहते हैं, जो दूध भी देती हैं, बच्चे भी दो दो तीन दिन देती हैं, होती लैलपुरी हैं डब्बे में ब्राउन अब्लाक, ठीक है ये नस्ल होती है वो। ये आप देख सकते हैं, इनके हवाने भी देख सकते हैं, यानी कि ये तैयार है, शक्ल सूरत इनकी इस तरह की होती है, आप लोग इनको लैलपुरी बकरी कहते हैं। मेरे दोस्त ये हैं शेरा परेंट। देखो मैं क्यों क्वालिटी दिखा रहा हूँ आपको, जरा आपके जहन में कुछ बातें बैठे, आप जो है ना एक फार्मर बनो, ठीक है मेरे दोस्त। ये हैं शेरा बकरियां, ठीक है मेरे भाई, चार इकट्ठे जोड़े, ये शेरा नस्ल है, ठीक है मेरे दोस्त। आज जो ये बकरियां हैं ना, मैं आपको इनकी पहचान करवाऊंगा कि असल क्या होती हैं और इन जैसी बकरियों की डिमांड क्या होती है, जो आपका पैसा ज़ाया हो रहा है उसके मुतालिक मैं आपको बड़ी बेहतरीन वजाहत करके बताऊँगा। काफ़ी बकरियाँ हैं, ये एक बड़ी बेहतरीन लाट है, बीतल में, शेरा में, लैलपुरी में और नागरा में बड़ी अच्छी लाड है, आप सारी मैं दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह। मेरे दोस्त इस तरह की बकरियाँ आपको काफ़ी लोग दिखाते हैं, कहते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त बकरी है, ऐसी है वैसी है, तो मैं आज इनके बारे में बता रहा हूँ आपको, वजाहत बताऊँगा सीधी बात, और आपने वीडियो एंड तक देखनी है मेरे भाई, ताकि आपको ये इल्मी बातें तजर्बा प्रैक्टिकल करके हासिल करने से पहले आपको आपकी जहन में बैठ जाएं और आपको इनका पता चले ये क्या कह रहा हूं मैं, जो आपको 10 साल ऐसी बातें मिलेंगी 10 साल बाद में मैं आपको एक ही वीडियो में बता देता हूं। दोस्तों ये जो मैं बकरियां आपको दिखा रहा हूं ना, इसमें कुछ यानी कि देखो प्रेग्नेंट हैं, बच्चा देने वाली हैं, कुछ बकरियाँ जो है ना ये देखें, कुछ पहले सुबह में भी हैं, VIP भी हैं यानी कि यंग नौजवान भी हैं, दो दांत चार दांत पहला सुबह यानी कि, और कुछ ऐसी हैं जो दूसरा सुबह है तैयार, दो दो तीन तीन लीटर दूध देने वाली भी हैं, और कुछ ऐसी हैं मेरे भाई जो अभी नई नई माल हुई हैं, मैं सारी दिखाता हूँ आपको तफसील के साथ। और कुछ ऐसी हैं मेरे भाई, ये आप देख सकते हैं, जो सबसे आला है यानी कि फुल हैवी नस्ल है, ये देख सकते हैं आप। नहीं, एक तरीका होता है वीडियो को, एक मैं क्यों इस तरह करके दिखाता हूँ कि आपको कुछ समझ आए, आपके जहन में कोई बात बैठे। और दोस्तों ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, आप ब्लैक बकरियाँ देख रहे हैं, वजाहत तो मैं सब की करूँगा ना। ये देखें, ये है फुल हैवी यानी नस्ल जो होती है असल बीतल में, ये नस्ल है, ठीक है। अब हैं ऐसी बकरियाँ जो लैलपुरी कहते हैं, जो दूध भी देती हैं, बच्चे भी दो दो तीन दिन देती हैं, होती लैलपुरी हैं डब्बे में ब्राउन अब्लाक, यानी कि हम अपनी ज़बान में अब्लाक कह देते हैं, आप लोग लैलपुरी कहते हो, ठीक है। ये नस्ल होती है वो, ये आप देख सकते हैं, इनके हवाने भी देख सकते हैं, यानी कि ये तैयार है, शक्ल सूरत इनकी इस तरह की होती है, आप लोग इनको लैलपुरी बकरी कहते हो, चारों छोड़ो। मेरे दोस्त इस तरह की चीज़ भी है इस लाट में, और प्योर बीतल जैसी बकरियाँ भी मौजूद हैं। और शेरा मैं दिखाता हूँ, शेरा जो होती है वो कौन सी होती है वो भी ज़रा देखें। अब मेरे दोस्त ये हैं शेरा परेंट। देखो मैं क्यों क्वालिटी दिखा रहा हूँ आपको, ज़रा आपके जहन में कुछ बातें बैठें, आप जो है ना एक फार्मर बनो, ठीक है मेरे दोस्त। ये हैं शेरा बकरियाँ, ठीक है मेरे भाई, चार इकट्ठे जोड़े, ये शेरा नस्ल है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये भी तैयार हैं, बकरे जो खड़े हैं इनके साथ मैं ज़रा वो दिखा दूँ आपको, ये भी एक बकरा खड़ा है मेरे भाई, इसको देखें, और इनके साथ ये भी बकरा खड़ा है, आप इनके ज़रा फेस देखें, तोता फेस, बिल्कुल फुल हैवी क्वालिटी, ये भी बकरे हैं माशाल्लाह, आप देखें इस नस्ल के भी बकरे इनके साथ खड़ाए हैं। मैं जो कहता रहता हूँ आपको, आप पैसा कमाओ, थोड़े पैसों से आप जो है ना एक बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि बकरियाँ आप रखो इस तरह की जो आपको दिखाई है। मैं ज़रा ये अब्लाक भी दिखा लूँ, जो गुलाबी अब्लाक होती है सबसे महंगी होती है वो ये होती है, ये गुलाबी अब्लाक कहते हैं, वाइट यानी कि इसके देखो गुलाबी थान होते हैं, जल्द इनकी गुलाबी होती है, यंग है अभी, ठीक है मेरे दोस्त। और ये तितली भी इसमें मौजूद है, तितली इसको बाद देसी बकरी भी कहा जाता है, तितली भी कहा जाता है। और ये है नागरी डब्बे में, माशाल्लाह ये नागरी है, नागरा भी मौजूद है।
जिस वीडियो में इतना क्वालिटी हो तो साफ जहर है उस वीडियो में कुछ बातें भी तो होंगी ना मेरे भाई। फुल हैवी बकरियां, जिस तरह इनका फेस है इसी तरह इन बकरों का फेस है। ये जो बकरे खड़े हैं साथ खड़ा यार, इन बकरों का फेस भी ऐसा है। इस वीडियो में मैं आपको बकरों का रेट दूंगा और इन देखें, ये है इनका फेस, इस चीज़ को देखें, इसको कहते हैं असल बीतल। ये देखें, इसको कहते हैं असल बीतल। ये फुल ब्लैक है, ये डब्बे में है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये फुल हैवी, ये बीतल है माशाल्लाह। यार क्वालिटी देखनी हो तो सिर्फ आप हमारे फार्म का विजिट करो, जिसमें 5 नस्लें दिखा रहा हूँ वो भी सस्ते रेट में। अगर आपने रابطہ करना है इसमें, ये देखें, ये भी नस्ल देख लें, कमोरी भी यानी पटेरी भी इसमें मैंने शामिल करके दिया है माशाल्लाह। और भी हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों टोरियोल ये देखें, ये भी पटेरी इसमें शामिल खड़ी हैं। ये देखें, ये तकरीबन 14 नस्लें दिखा रहा हूँ आपको मेरे दोस्त। ये भी तैयार है, बिल्कुल सुआ देने वाली है, बच्चा देने वाली है अभी। ये देखें माशाल्लाह, 4 अभी हो रही है, यंग है, सारी बकरियाँ यंग है मेरे दोस्त। यंग बकरियों की आज वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात एक सुनो। जितने फार्मर मेरी वीडियो देख रहे हो, आप नए शौकीन हो या आप ऑलरेडी पुराने फार्मर हो, मेरी वीडियो से आप इल्म सीखते हो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये एक बात कह रहा हूँ मेरे भाई, आप फार्मिंग करना चाहते हो इस बकरियों से भी करो। तकरीबन आप जो फार्मर ऑलरेडी फुल हैवी बकरियों का फार्मर फार्म बना चुका है, आप इन बकरियों का फार्म बनाओ और ये ब्रीडर रखो, ठीक है, इस तरह का ब्रीडर रखो ये वाला, तो मैं यकीन से कहता हूँ आप चंद दिनों में लाखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे चंद दिनों में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब ये बकरी, आपको ये तो पता है कि सादी देसी गाय होती है ना, उसको ऑस्ट्रेलियन का अगर हम सिमन रखवाते हैं तो बच्चा ऑस्ट्रेलियन का ही होता है, याद रखना। अगर ये बकरियां ऐसी हैं, बीतल हैं, जेन्युइन बीतल भी खड़ी हैं और शेरा भी खड़ी हैं, लैलपुरी भी खड़ी हैं, कामोरी पटेरी खड़ी हैं, नागरा डब्बे में खड़ी हैं, अमृतसरी खड़ी हैं, लेकिन इनके साथ अगर ब्रीडर ऐसा रख दिया आपने तो याद रखना बच्चे इसी तरह के आएंगे जैसा ये है। आप अंदाज़ा करो तो फिर आप कितना कमाओगे, ये आप ही खुद अंदाज़ा कर लें कि आप कितना कमाओगे। मैं बताता हूँ आपको मोटा मसला, आप अगर ये बकरियाँ हैं टोटल, ये 55 बकरियाँ हैं टोटल जैसे, यानी कि 50 से ऊपर हैं कुछ, तो ये अगर ये लाट आप रखते हैं 50 की, रेट वो देता हूँ, आप मुझे फ़ौरन कॉल करेंगे रियाज भाई ये हमारे लिए रोक लें इस तरह की बीतल बकरियाँ, तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह रोक भी लूँगा ये बकरियाँ। और बाकी अगर आपने आना है इधर, लोकेशन मेरी सुन लें, मेरा डेरा गाजी खान मेरी लोकेशन है, चुंगी नंबर 5 है, जामपुर रोड है और पुल शोरा के नाम से स्टाप मशहूर है। और ये देखें, ये छोटी से छोटी बकरी है, इंशाल्लाह 3 बच्चे देगी, कन्फर्म, पेट से भी लग रही, इतना बड़ा पेट है इसका। और मेरे दोस्त ये बकरियां मुंह से 2 दांत, 4 दांत हैं, कुछ 6 दांत भी इसमें शामिल हैं, और पहला सुआ भी है इनका और दूसरा सुआ भी है इनका। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की बकरी रखो ना कभी बीमार होती है और ना कोई इसको मसला मसाइल होता है, क्योंकि ये बकरी पूरे पाकिस्तान में किसी कोने में आप पालना चाहते हो तो हर छोटा बड़ा नया फार्मर या पुराना फार्मर इस बात को जानता है कि बकरियां ये कौन सी किस इलाके में पाली जाती हैं। चंद लोगों को पता नहीं है कि किस इलाके में बकरियां पाली जाती हैं, वो हमसे मुशावरत करें। बाकी इनको कश्मीर में भी रख सकते हो, पेशावर में भी रख सकते हो, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और कराची तक भी जितने शहर हैं, लाहौर में और कराची तक जितने भी शहर हैं यानी कि उनमें भी रख सकते हो। दोस्तों इनका मुख्तसर सा रेट होगा, जिस दोस्त ने ये 50 से ऊपर की लाड है, तकरीबन 52-53 इतने हैं, इनको जो भी लेगा रेट आपके साथ मैं फिक्स करता हूँ, फाइनल रेट होगा आपके लिए और 28,500 रुपये होगा यार, 28,500 और तैयार बकरियाँ बेहतरीन। इसमें अगर एक कहेंगे, दो कहेंगे, वो लाख रुपए की भी नहीं दूंगा, पूरी लाड दूंगा, लाड के रेट होंगे मेरे भाई, क्योंकि इसमें 70,000 वाली बीतलें भी मौजूद खड़ी हैं और शेरा प्रिंट अमृतसरी नागरी डब्बे में भी मौजूद खड़ी हैं, तो इस वजह से एक बकरी
कुछ लोग कहते हैं कि यार भाई 1000 या 500 ऊपर लगा ले, हमें एक दे दें। मेरे भाई इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। पूरी अगर 55 की लाट लेंगे तो 55 बकरियों का 28,000 रुपये आपसे लूँगा। मैं पाकिस्तान पूरे को चैलेंज दे के कहता हूँ, अगर कोई इस तरह की बकरियाँ 28,000 रुपये में दे तो मैं आपको फ्री दूँगा बकरियाँ। और जो ये बकरे खड़े हैं माशाल्लाह, और ये बकरा जो भी लेंगे आप वो आपको 1.5 लाख का मिलेगा। बकरा जो भी लेंगे वो बकरियों के साथ 1.5 का, वरना अलग लेंगे तो ये 2 लाख का मिलेगा आपको। ठीक है मेरे भाई, बकरियों के साथ 1.5 लाख का बकरा भी आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिस भाई ने पहले रابطہ किया उसके साथ डील ओके होगी। तो बाकी मेरे भाई जिंदगी दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह। अरे अरे रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दे। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा।